डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड आइटम का स्टडी करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में डिफरेंट जो है आइटम का स्टडी करा दिया है, बट इस पार्ट में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का स्टडी कराएंगे, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिए, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिए, ये वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन होता क्या है? एक्चुअल में जो है इसके बारे में एक क्वेश्चन है कि व्हाई कार्बन कॉल्ड ए वर्साटाइल एलिमेंट, व्हाई कार्बन कॉल्ड ए वर्साटाइल एलिमेंट। देखिए, एक्चुअल में कार्बन को क्यों वर्साटाइल एलिमेंट कहते हैं? तो एक्चुअल में क्या है कि कार्बन को का नेचर वर्साटाइल इसलिए होता है कि याद कर लीजिए, कार्बन से नियर अबाउट 3 मिलियन से अधिक कंपाउंड नोन है। देखिए, कार्बन से रिलेटेड आपके पास जो कार्बन से रिलेटेड सोचिए 3 मिलियन, आप समझिए 3 मिलियन से भी अधिक, 3 मिलियन से भी अधिक जो है कंपाउंड क्या है, ज्ञात है। सोचिए 3 मिलियन से अधिक कंपाउंड ये मतलब बना चुका है। डिफरेंट टाइप की बात मैं कर रहा हूं। तो इसीलिए देखिए, कार्बन का जो नेचर है वर्साटाइल नेचर कहलाता है। और एक बात और बता रहा हूं, ऐसा है कि एक्चुअल में कार्बन को वर्साटाइल एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसके पीछे और भी रीजन है। तो ध्यान दीजिए, एक्चुअल में कार्बन जो है मैक्सिमम कंपाउंड बना सकता है। और क्यों मैक्सिमम कंपाउंड बना सकता है, इसके पीछे भी रीजन है। तो फर्स्ट रीजन है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। देखिए, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, देखिए इसके वजह से भी ये क्या है, अपना वर्साटाइल नेचर शो करता है। कार्बन के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन 4 वैलेंसी, सोचिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका मतलब कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन जो है 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। सोचिए 4 सिंगल जो है बॉन्ड बना सकता है। और एक बात और बता रहे हैं कि ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो ये जो है 4 सिंगल जो है कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है,
इसके अलावा देखिए एक्चुअल में कार्बन के जो एटम है, ध्यान दीजिए, कार्बन के एटम कार्बन से भी क्या करते हैं भाई, बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे देखिए ना, कार्बन 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 कार्बन, बताइए आप, देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, देखिए। तो मेरे कहने का भाई, इससे दूसरा कंपाउंड बनेगा, इससे दूसरा कंपाउंड बनेगा। इसी तरह से कार्बन कार्बन के साथ जो है क्या करता है, अरे भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा देखिए, कार्बन कार्बन तो अपने भाई ईच अदर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते ही बनाते हैं, बट कार्बन जो है हाइड्रोजन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, ध्यान दीजिए, एक्चुअल में ये जो कार्बन है, कार्बन जो है क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, हाइड्रोजन से, देखिए इन सब से जो है बॉन्ड बना सकता है। ईटीसी, ईटीसी मतलब काफी एलिमेंट से ये क्या करता है, सिंगल बॉन्ड जो है, देखिए सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बनावे डबल बनावे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा जो है ऑक्टेट रूल होता है उसी के अनुसार ये बॉन्ड बनाता है। बट ये आपस में भी देखिए ईच अदर भी बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा अन्य एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनसे भी आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सोचिए। तो इसीलिए ये टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के वजह से काफी कंपाउंड जो है हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए वर्साटाइल नेचर कहलाता है। अभी इसका और भी रीजन है, तो देखिए एक बात और बताना है टेट्रावैलेंसी में, कि ये कार्बन जो है ये भाई देखिए, इसका वैलेंसी फोर होती है। तो जब कार्बन की वैलेंसी फोर होती है तो ये क्या करता है, देखिए हाइड्रोजन से, देखिए ये हाइड्रोजन और एक जो है ये हाइड्रोजन, और देखिए ये हाइड्रोजन और आपका एक ये हाइड्रोजन, देखिए ये मेथेन बना रहा है। देखिए एक्चुअल में मेथेन जब बनाता है तो जो है इसका, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, एक्चुअल में इससे इसको क्या करिए, ज्वाइंट कर दीजिए, और इससे इसको ज्वाइंट कर दीजिए, इससे इसको ज्वाइंट कर दीजिए, और इससे इसको ज्वाइंट कर दीजिए, और इससे इसको ज्वाइंट कर दीजिए। तो देखिए एक्चुअल में ये जो है टेट्राहेड्रल जो है अरेंजमेंट कहलाता है। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देखिए शो करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक्चुअल में इसका ये मेथेन है, ये क्या है, मेथेन है। मेथेन का ये 3D स्ट्रक्चर है, मेथेन का ये 3D स्ट्रक्चर है। अच्छा, कार्बन के का एक वैलेंसी ये है, दूसरा तीसरा चौथा, देखिए इन दोनों वैलेंसी के बीच में जो एंगल बनता है 109, देखिए 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर 109 डिग्री 28 मिनट जो है, दो पूछा जाता है कार्बन के टू वैलेंसी के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो ये है आपका 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसका मतलब देखिए, व्हाई कार्बन कॉल्ड ए वर्साटाइल एलिमेंट, तो फर्स्ट रीजन है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन।
सेकंड जो रीजन है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सेकंड रीजन है उसको बहुत ध्यान से देखें। कैटेनेशन सेकंड रीजन जो है इसका जो प्रॉपर्टी है कार्बन की कैटेनेशन, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। तो एक्चुअल में कैटेनेशन क्या होता है, तो देखिए कैटेनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। देखिए टेंडेंसी ऑफ, इसके अंदर कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी होती है। भाई देखिए कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पूछा जाता है कि किसके पास होती है, तो कार्बन के पास होती है। इसके अलावा देखिए एक बात और बता दें यहीं पर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन के अलावा जो है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट में, तो हाँ सिलिकॉन में होती है। किसमें होती है, सिलिकॉन में, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। बट देखिए इसका जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है और इसके कैटेनेशन की प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंस है, मतलब इसका कैटेनेशन की प्रॉपर्टी बहुत अधिक होती है कंपैरेटिवली सिलिकॉन के, पर सिलिकॉन के अंदर भी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, ये भी आता है। चलिए ठीक है, तो ये कैटेनेशन का मतलब है टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, इसका मतलब समझ गए होंगे। कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वह क्या करता है, इसी यूनिक प्रॉपर्टी के वजह से कार्बन कार्बन के बीच जो है क्या करके चेन बना लेता है, बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन बना सकता है। अब सोचिए इसी को कहते हैं टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, और टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग को कहते हैं कैटेनेशन। सोचिए इसका मतलब एक्चुअल में देखिए कार्बन जो है, देखिए ये सपोज करिए यहां टू कार्बन है तो ये एक कंपाउंड हो गया, यहां पर हाइड्रोजन आप प्रोवाइड कर दीजिए, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो देखिए ये कंपाउंड हो गया। कार्बन जो है देखिए 1 2 3 कार्बन, तो देखिए एक्चुअल में टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग की होती है, तो यहां भी जो है आप यहां पर क्या करिए, देखिए सारे जगह हाइड्रोजन जो है यहां पर नोट कर दीजिए, तो ये दूसरा कंपाउंड हो गया। इसी तरह कार्बन जो है 1 2 3 4, अब देखिए अब यहां पर सारे जो है पोजीशंस पर क्या करना है, सपोज करिए हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, देखिए तो ये क्या हो गया, अलग कंपाउंड। इसी तरह 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन, आप समझ गए होंगे, 11 कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सोचिए तो कितने कंपाउंड हो जाएंगे। इसके अलावा कार्बन जो है, देखिए ये कैटेनेशन का मैं एग्जांपल बना रहा हूं, देखिए इसके अलावा कार्बन जो है ठीक है चेन तो बनाता ही है, बट ब्रांच भी बनाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाता है। जैसे देखिए यहां पर देखिए कार्बन 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 कार्बन, चलिए ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में ये जो कार्बन है ब,
ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाता है। देखिए कैसे सी, देखिए अब जरा सोचिए आप, देखिए यहां पर ए, देखिए अब मैं इसको फिल कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो है ये, देखिए ये क्या बनाया, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देख लीजिए, ये दूसरा कंपाउंड हो गया, ये दूसरा कंपाउंड हो गया। इसका मतलब ये हुआ ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है। अब इसमें तमाम एग्जाम्पल दिया जा सकता है, तमाम एग्जाम्पल। सपोज करिए आप यहां पर ये जो है देखिए, एक्चुअल में यहां भी आप सपोज करिए एक कार्बन जो है नोट करना चाहते हैं, सपोज करिए, तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो देखिए ब्रांच। अब देखिए हमारे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप यहां भी कार्बन से कार्बन अटैच कर दे, तो देखिए ये देखिए यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखिए सोचिए, मतलब कार्बन से 3 मिलियन से अधिक कंपाउंड बनाए जा चुके हैं। तो ये है इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो देखिए एक्चुअल में चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है, इसके अलावा कार्बन जो है रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। देखिए कार्बन जो है ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी में मैं सारा आइटम आपको बता रहा हूं। देखिए सपोज करिए उसका भी एग्जाम्पल आप दे दीजिए कि यह रिंग जो है रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो देखिए एक्चुअल में ये रिंग स्ट्रक्चर इसका, देखिए ये है इसका रिंग स्ट्रक्चर। तो कार्बन 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 कार्बन, तो देखिए यहां पर आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पर भी आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लोग भाई कोई ये सोच रहा होगा कि यहां पर 2 हाइड्रोजन का एटम क्यों लिख रहे हैं, भाई देखिए एक्चुअल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्यों, किसी भी कार्बन को आप काउंट कर लीजिए, कार्बन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन और ये एक देखिए शेयर, तो 5 6 7 8, तो इसीलिए जो है यहां पर आपको यहां पर 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। तो ये देखिए रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। एक और एग्जांपल रिंग स्ट्रक्चर का हम दे दें आपको, देखिए ये भी एक क्या है, देखिए रिंग स्ट्रक्चर है, यहां पर कार्बन 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 कार्बन, बट यहां पर आपको इसी के अनुसार देखिए यहां पर आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन से भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। देखिए ये है आपका, समझिए ये रिंग स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। देखिए ये पेंटागन बनाया, हेक्सागन बनाया, आप चाहे तो आप टेट्रागन भी बना करके जो है इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ट्रायंगल बना करके भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये जो है आप समझिए एक्चुअल में इसका जो नाम है ये है साइक्लोहेक्जेन, ये इसको कहते हैं साइक्लोहेक्जेन। देखिए ये साइक्लोहेक्जेन है और ये जो है साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है। अगर आप सपोज करिए आप इस पर जो है इस तरह से ये कार्बन 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 और यहां पर जो है आप हाइड्रोजन जो है से सिंगल बॉन्ड के रूप में, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन 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 आप लिख देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा
साइक्लोब्यूटेन, इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटेन, लिख दे रहे हैं हम साइक्लोब्यूटेन। तो देखिए ये है आपका केटेनेशन प्रॉपर्टी। इसीलिए देखिए अब आप समझ रहे होंगे कि कार्बन को जो है व्हाई कार्बन कॉल्ड ए वर्साटाइल एलिमेंट, इसीलिए जो है देखिए सेकेंडरी ये जो है आपका रीजन था कि इनके अंदर जो क्या होता है केटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। और मैक्सिमम एग्जामिनेशन में केटेनेशन क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस केटेनेशन को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। अब हम आपको थर्ड जो रीजन है कि टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। जो देखिए कार्बन वर्साटाइल नेचर क्यों कहा जाता है इसको, देखिए टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, इसका मतलब देखिए वो ये तो सिंगल बॉन्ड बना ही सकता है बट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना करके भी तब बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये जो है इसका नेचर वर्साटाइल कहा जाता है। तो देखिए एक्चुअल में एग्जांपल देना पड़ेगा, ये है आपका डबल बॉन्ड का एग्जांपल, यहां हाइड्रोजन लिख दीजिए, यहां हाइड्रोजन लिख दीजिए, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। तो देखिए इसके अलावा एक एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का भी देना पड़ेगा, तो यहां एक हाइड्रोजन और यहां पर एक हाइड्रोजन। तो देखिए एक्चुअल में ये एथिलीन है और यह क्या है एसिटिलीन है, ये देखिए ये एथिलीन है, एथिलीन देखिए ये एथिलीन है और ये जो है आपका एसिटिलीन है, एसिटिलीन। तो देखिए एक्चुअल में ये एथिलीन है और ये एसिटिलीन है। इसके अलावा आप चाहे तो एक एग्जांपल और दे सकते हैं यहां पर डबल बॉन्ड करके, ओ देखिए ये एक्चुअल में मेथेनॉल है, ये क्या है मेथेनॉल है। एक्चुअल में आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कार्बन देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, जिससे इसका जो नेचर है वर्साटाइल कहलाता है। इसीलिए वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन कहलाता है कि ये मैक्सिमम बहुत ढेर सारा कंपाउंड बना सकता है। इतना कंपाउंड और कोई भी एलिमेंट नहीं बना सकता, इसीलिए कार्बन को क्या कहा जाता है, इसका नेचर जो होता है वह वर्साटाइल नेचर होता है। तो वर्साटाइल नेचर के लिए मैंने आपको 3 रीजन बताया, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अभी देखिए मैं जब से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको स्टडी करा रहा हूं तब से बता रहा हूं कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4। तो ये जो 4 वैलेंसी है कार्बन की, देखिए 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, ये 1 2 3 4, तो ये चारों वैलेंसी सेम होती है।
चारों बैलेंसी क्या होती है? सेम होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूफ करिए कार्बन की चारों बैलेंसी सेम होती है। चारों बैलेंसी कार्बन की सेम होती है। तो इसके लिए देखिए एक बात बता दें, हेनरी नामक साइंटिस्ट थे, हेनरी नामक जो है ये जो है साइंटिस्ट हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, अब ध्यान दीजिएगा, ये है कार्बन, इस कार्बन के देखिए ये फोर बैलेंसी है, तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर NO2 ग्रुप है, इसको जान लीजिए ये नाइट्रो ग्रुप कहलाता है। तो नाइट्रोमेथेन इसका नाम है, नाइट्रोमेथेन, ये क्या है? नाइट्रोमेथेन। अब देखिए हेनरी ने क्या किया कि देखिए इसको, इस नाइट्रो ग्रुप को क्या किया, इस बॉन्ड पर ला दिया। चलिए ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, ये कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन, अब देखिए NO2 ग्रुप जो है यहां पर मैं नोट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू हेनरी देखिए, तो जब नाइट्रो ग्रुप यहां पर देखिए एक्चुअल में इसको सब्स्टिट्यूट किया गया तो देखा गया कि ये अभी भी नाइट्रो मेथेन ही है। इसकी प्रॉपर्टी कैसा है? नाइट्रो मेथेन की ही प्रॉपर्टी है। चलिए तो उसके बाद जो है देखिए फिर जो है इस नाइट्रो ग्रुप को यहां सब्स्टिट्यूट किया गया, इसके बाद देखिए ये हाइड्रोजन ये NO2 ग्रुप यहां आ गया और ये आपका हाइड्रोजन। तो इसका फिर स्टडी किया गया तो यहां ये भी नाइट्रो मेथेन ही था, मतलब इसकी भी प्रॉपर्टी नाइट्रो मेथेन की ही फाइंड आउट हुई। तो इसको भी देखिए ध्यान दीजिए, इसको भी नाइट्रो मेथेन कहते हैं, ये भी नाइट्रो मेथेन ही था। और अब देखिए एक्चुअल में आप ध्यान दीजिए, इसको जो है मैं यहां पर ड्रा, जगह नहीं है, ये यहां से फिर यहां सब्स्टिट्यूट किया गया तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये NO2। तो ये फिर भी नाइट्रो मेथेन ही है, ये नाइट्रो मेथेन। देखिए ये जब नाइट्रो ग्रुप इस बैलेंसी पर था तब भी नाइट्रोमेथेन और जो भी प्रॉपर्टी थी यहां पर जब सब्स्टिट्यूट किया गया तो नाइट्रोमेथेन और सेम प्रॉपर्टी। फिर जो है देखिए नाइट्रो ग्रुप यहां सब्स्टिट्यूट किया इस बॉन्ड पर तो सेम प्रॉपर्टी, फिर नाइट्रो ग्रुप को उन्होंने इस बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूट किया तो सेम प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? इससे उन्होंने एक जजमेंट दिया कि जो कार्बन की फोर वैलेंसी होती है, कार्बन की फोर वैलेंसी जो होती है वो इक्वल होती है, सेम होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूफ करिए कि जो है कार्बन की जो फोर वैलेंसी है वो क्या होती है, सेम होती है। देखिए ये प्रूफ हो गया, कितना इजी है। तो ये है आपका जो कार्बन की फोर वैलेंसी जो होती है वो सेम होती है, इसको कौन बताया, हेनरी नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये बात की थी।